हे गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो फ्रेंड्स, वी आर लाइव नाउ। जैसा कि आप सभी को पता है, डेली सुबह 11 बजे हमारे चैनल पर सीटेट जुलाई 2024 को जो परीक्षा होने जा रही है 7 जुलाई, उसके लिए दोस्तों मैं ऐसे क्वेश्चन लेकर आया हूं जो आपको 7 जुलाई 2024 के परीक्षा में देखने को मिलेंगे। ये सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनका एक बार आप लोग रिविजन जरूर कर लीजिएगा। और चैनल पर अगर नए हो और इसी प्रकार के और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की क्लासेस आप देखना चाहते हो तो हमारे इस चैनल बी टॉपर को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन कर लेना दोस्तों। तो चलिए सेशन को आगे बढ़ाते हैं। सभी लोग शेयर कर दीजिए एंड लाइक कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। इसके साथ साथ हमारे द्वारा बीएड प्रवेश परीक्षा सीटेट एग्जाम 2024 के लिए कंप्लीट सिलेबस का नोट्स भी तैयार किया गया है जुलाई सेशन के लिए। जो बच्चे एक दो बार फेल हो गए हैं, पास नहीं हो पा रहे, या जिनका पहला अटेम्प्ट है, एक ही अटेम्प्ट में एग्जाम को क्लियर करना चाहते हैं, या ऐसे छात्र जिनको पढ़ाई करने के लिए ज्यादा टाइम नहीं मिलता है, कुछ ही घंटे टाइम निकाल पाते हैं, उनके लिए नोट्स बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। इस नोट्स में आपको जो नोट चाहिएगा, आपका पेपर वन का चाहिए पेपर वन मिल जाएगा, पेपर टू का आपको चाहिए पेपर टू का मिल जाएगा, आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग नोट्स अवेलेबल है। पेपर टू में एसएसटी का चाहिए, किसी को साइंस मैथ का चाहिए, सब कुछ अवेलेबल है। कीमत मात्र 199 रुपीज है। और इस नोट्स की खासियत क्या है कि इसमें आपको थ्योरी बहुत शॉर्ट फॉर्म में दिया गया है, प्रश्न भी दिए गए हैं, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर भी दिए गए हैं, यानी कि बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में पूरा सिलेबस कवर करने की कोशिश की गई है और इतना सरल भाषा में बताया गया है ताकि आपको थ्योरी समझ में आ जाए। और एक बार थ्योरी जब बच्चों को समझ में आ जाता है तो सीटेट बहुत ही आसान है। नोट्स को लेने के लिए क्या करना है, इस नंबर पे व्हाट्सएप पर मैसेज करना है कि सर मुझे सीटेट एग्जाम का नोट चाहिए, कैसे हमें मिलेगा और कैसे हम आपको पेमेंट करेंगे, तो सारी जानकारी इस नंबर पे दी जाएगी। तो जो भी इंटरेस्टेड है नोट्स के लिए इस नंबर पे मैसेज करके सीटेट एग्जाम का कंप्लीट सिलेबस का नोट्स परचेज कर सकते हैं। आते हैं सेशन पर भैया, और जो भी डाउट आपको क्लियर करना है, कुछ पूछना है फॉर्म को लेकर, एग्जाम को लेकर, प्रिपरेशन को लेकर, गाइडेंस चाहिए कुछ, तो मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, मेरा यूजर आईडी सर्च कर लेना और आप मुझे वहाँ पर फॉलो भी कर लेना आगे की गाइडेंस के लिए। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं और सीडीपी का पहला क्वेश्चन लगाते हैं। देखिएगा भैया, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो 7 जुलाई 2024 को पूछा जाएगा। पहला क्वेश्चन है, पावलोव ने अधिगम का जो सिद्धांत प्रतिपादित किया था वह कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर बताएं, क्लास को शेयर करिए सभी लोग एंड लाइक करें। क्वेश्चन नंबर 1 का उत्तर क्या हो जाएगा बताइए। क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर बताइए। चलिए, प्रतिमा यादव बहुत बढ़िया, अमन भाई बहुत अच्छा, रिंकू वेरी गुड। 1 का राइट आंसर आपका ऑप्शन सी का हो जाएगा, अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत प्रतिपादित किया था किसने, पावलोव ने। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है, पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था जिसको जन्म से लगभग 2 वर्ष की आयु को माना जाता है, पहली अवस्था के दौरान बच्चा डायजे सबसे बेहतर सीखता है। क्वेश्चन नंबर 2 का उत्तर बताइए भैया। ये सारे क्वेश्चन 7 जुलाई 2024 को पूछे जाएंगे। 2 नंबर का उत्तर क्या हो जाएगा बताइए। रिमझिम कुमारी गुड मॉर्निंग, प्रतिमा वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 2 का उत्तर बताइए और अपने मन से जवाब देने का भी प्रयास करें ताकि आपका प्रैक्टिस भी हो जाए और आपको अपनी गलतियां भी पता चले कि कहां मेरे क्वेश्चन गलत हो रहे हैं और कहां सही हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का उत्तर दीजिए और क्लास को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें भाई, सभी लोग शेयर करें क्लास को। वेरी गुड, क्वेश्चन नंबर 2 का जो राइट आंसर है ऑप्शन ए हो जाएगा, इंद्रियों के प्रयोग द्वारा। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 3 है, मापन किया जाने वाला व्यक्तित्व का प्रत्येक पहलू व्यक्तिक भिन्नता का अंश है, उपयुक्त परिभाषा किसने दी है। 3 नंबर का जवाब बताइए, 3 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। वेरी गुड, बिल्कुल सही है, 3 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, स्किनर ने। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 देखें, प्रश्न है, थॉर्नडाइक का सीखने का मुख्य नियम नहीं है, 4 नंबर का जवाब दें। क्लास की टाइमिंग डेली सुबह 11 बजे है, सीटेट का टाइमिंग जान लीजिए और डेली क्लास को ज्वाइन करें। 4 नंबर का उत्तर क्या हो जाएगा। कमलेश बहुत बढ़िया, कमलकांत बहुत अच्छा, रिमझिम वेरी गुड, प्रतिमा यादव 4 नंबर का सही जवाब आपका ऑप्शन डी हो जाएगा भैया, सादृश्यकरण का नियम। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5 सीडीपी का, प्रण देखे अंतर्दृष्टि पर प्रभाव डालने वाले तत्व कौन से हैं। 5 नंबर का सही जवाब बताइए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 5 का जो राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, इनमें से सभी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6 है, सीखने का वह सिद्धांत जो पूर्ण रूप से और केवल अवलोकनीय व्यवहार पर आधारित है, सीखने के डैश डैश सिद्धांत से संबंधित है। 6 नंबर का सही जवाब बताइए आप लोग। छह नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, व्यवहारवादी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7 देखें, सीखना संबंध स्थापित करना है, संबंध स्थापित करने का कार्य मनुष्य का मस्तिष्क करता है, यह कथन यानी यह स्टेटमेंट किसका है। 7 नंबर का सही जवाब दीजिए आप लोग।
क्वेश्चन नंबर 7 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यहां पर करेक्ट उत्तर हो जाएगा थॉर्नडाइक का। नेक्स्ट है 8 नंबर, कक्षा वातावरण में सीखने का महत्वपूर्ण नियम है। क्वेश्चन नंबर 8 का उत्तर बताएं और क्लास को सभी लोग शेयर करिए। 8 का जवाब क्या हो जाएगा? आठ नंबर का उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, हस्तलेखन। अगला देखें क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने रहा, प्रश्न देखें क्या है, सीखी गई क्रिया का अन्य समान परिस्थितियों में उपयोग किया जाना क्या कहलाता है? 9 नंबर का सही उत्तर बताइए। बहुत बढ़िया, क्या हो जाएगा उत्तर 9 का बताइए, रिया सिंह, वेरी गुड। 9 नंबर का उत्तर क्या हो जाएगा रिमझिम, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। 9 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न देखें क्वेश्चन नंबर 10 है, छात्रों द्वारा विचार विनिमय किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 का सही जवाब क्या हो जाएगा? दस नंबर का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, सम्मेलन व विचार गोष्ठी से। अगला है 11 नंबर प्रश्न देखिए क्या है, प्रश्न है भारतीय समाज की बहुभाषिक विशेषता को डैश डैश देखा जाना चाहिए। तो दो ऑप्शन आप पर ऊपर दिख रहे हैं और दो आपको नीचे दिख रहे हैं, सही जवाब सी वाला हो जाएगा। अगला देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12 है, सीखने के प्रकार कौन से हैं इसमें से? क्वेश्चन नंबर 12 का उत्तर बताइए, रिया सिंह, कमलेश, उत्तर क्या हो जाएगा 12 का, कमलकांत। क्वेश्चन नंबर 12 का सही जवाब, पूजा यादव, बहुत बढ़िया, सभी लोग कमेंट करें आंसर, तभी तो मैं नाम देख पाऊंगा कौन कौन जुड़ा है। 12 नंबर का उत्तर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से सभी जो है सीखने के प्रकार हैं, टाइप्स ऑफ लर्निंग है, ज्ञानात्मक अधिगम, अधिगम का मतलब ही सीखना होता है, गामक अधिगम, संवेदनात्मक अधिगम। अगला प्रश्न देखें क्वेश्चन नंबर 13 है, हम जो भी नया काम करते हैं उसे आत्मसात कर लेते हैं, यह संबंधित है किससे? 13 नंबर का जवाब बताइए, 13 का उत्तर क्या हो जाएगा? तेरह नंबर का राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, आत्मीकरण के नियम से। अगला प्रश्न देखें क्वेश्चन नंबर 14 है, 12 वर्ष से 16 वर्ष के बालक के लिए हिंदी में डॉक्टर एस जालोटा ने कौन सा परीक्षण प्रतिपादित किया है? 14 नंबर का सही जवाब बताइए। इस क्लास का पीडीएफ फाइल अगर आपको डाउनलोड करना है रिवीजन के लिए तो टेलीग्राम ग्रुप से कर सकते हो, हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ज्वाइन कर लीजिए। चलिए आशमा खातून, बहुत बढ़िया, पूजा, वेरी गुड, क्या हो जाएगा 14 का? 14 नंबर का जवाब आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण। अगला है क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, क्रियात्मक परीक्षाएं उपयोगी हैं किसमें? क्वेश्चन नंबर 15 का जवाब, क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर आपका ऑप्शन यहां पर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी के लिए। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 16 है, बालकों का मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिनियम अधिकार 2009 में निम्न में से किस पर ध्यान नहीं दिया गया? क्वेश्चन नंबर 16 का जवाब दीजिए, सोलह नंबर का राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, 14 वर्ष के पश्चात की शिक्षा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17 है, सृजनात्मक मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है, यह कथन किसका है? 17 नंबर का जवाब दीजिए और क्लास को सभी लोग शेयर कर दीजिए व्हाट्सएप पर एंड लाइक करें। क्वेश्चन नंबर 17 का जवाब दीजिए, सत्रह का राइट आंसर जितने लोग जवाब यहां पर दे रहे हैं एक करेक्ट उत्तर हो जाएगा, क्रो एवं क्रो का। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18 है, वह संधि काल में निम्न में से कौन सा बाह्य अभिव्यक्ति नहीं है? क्वेश्चन नंबर 18 का उत्तर बताइए, विशाखा मिश्रा, बहुत बढ़िया, कमलेश, बहुत अच्छा, आशमा, वेरी गुड। 18 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, सक्रिय खेलों के स्थान पर बैठे रहकर खेलना अधिक पसंद। 21 तत्व का योग नहीं है, 19 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? 19 नंबर का राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, बनावटीपन। अगला है 20 नंबर, किसी बालक में निहित सृजनशीलता को पता करने के दो प्रकार कौन से हैं? क्वेश्चन नंबर 20 का उत्तर बताइए,
बढ़िया, 20 नंबर का उत्तर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, परीक्षण और निरीक्षण, परीक्षण और निरीक्षण दो हैं। अगला देखें नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 21 है, प्रश्न देखें क्या है, पृथक कक्षाओं एवं संवर्धन कार्यक्रमों का प्रयोग शिक्षा के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 का जवाब, इक्कीस नंबर का उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, प्रतिभाशाली एवं निम्न शैक्षिक उपलब्धि बालकों के लिए। अगला देखें क्वेश्चन नंबर 22 है, अधिगम को प्रभावित करने वाले घटक कौन से हैं? 22 का उत्तर बताओ, बिल्कुल सिलेक्टेड क्वेश्चन करा रहा हूं भाई, 22 का उत्तर क्या हो जाएगा बताइए सब लोग। बाईस का जो राइट आंसर है ऑप्शन डी हो जाएगा इनमें से सभी। अगला प्रश्न देखें क्वेश्चन नंबर 23 है, जिस आयु में बालक की मानसिक योग्यता का लगभग पूर्ण विकास हो जाता है वह आयु क्या है? क्वेश्चन नंबर 23 का उत्तर बताइए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। तेईस नंबर का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 14 वर्ष तक। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 24 है, बाल विकास को प्रेरित करने वाला घटक कौन सा नहीं है भाई? 24 का उत्तर बताओ, 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 24 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, परिपक्वता। अगला है क्वेश्चन नंबर 25 है, अभियोग्यता वर्तमान दशा है जो व्यक्ति की भविष्य की क्षमताओं की ओर संकेत करती है, या परिभाषा किसने दी है? क्वेश्चन नंबर 25 का हमारे सभी स्टूडेंट जवाब देंगे बताइए। बिल्कुल 25 का उत्तर क्या हो जाएगा? 25 का सी हो जाएगा। अगला देखिए नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 26 है, प्राथमिक आवश्यकताओं से उदय होती है किस चीज की? क्वेश्चन नंबर 26 का जवाब, 26 नंबर का उत्तर क्या हो जाएगा भाई? 26 का राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, द्वितीयक आवश्यकताओं का। अगला है 27 देखें, अधिगम की सफलता का मुख्य आधार क्या माना जाता है? क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 27 का जो राइट आंसर है ऑप्शन डी का उत्तर हो जाएगा यहाँ पर, अधिकारी बनने की इच्छा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्न में से जो बालक के लिए प्रेरक नहीं है वह है कौन सा? क्वेश्चन नंबर 28 का जवाब, 28 का उत्तर दीजिए, नीतू कुमारी, विशाखा, रिमझिम, पूजा, कमलेश, आशमा, क्या हो जाएगा उत्तर? 28 का जवाब दीजिए। सभी लोग सेशन को शेयर करें और लाइक करें भाई। क्वेश्चन नंबर 28 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, कुशंग। अगला प्रश्न देखिए नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 29 है, प्रश्न क्या है देखिए, ऐसे प्रेरक जो विभिन्न व्यक्तियों के विभिन्न परिस्थितियों में पलने के कारण विकसित होते हैं वे क्या कहलाते हैं? 29 का उत्तर बताइए। उनतीस नंबर का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, व्यक्तिगत प्रेरक। अगला है क्वेश्चन नंबर 30, सीडीपी का लास्ट क्वेश्चन है, देखिए निम्न में से जिसमें अभिप्रेरणा योगदान नहीं करती वह कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 30 का जवाब दीजिए, वह कौन सा क्षेत्र है जिसमें अभिप्रेरणा योगदान नहीं करती है? क्वेश्चन नंबर 30 का जवाब, लकेश लहरे, वेरी गुड, कमलेश बहुत अच्छा, पूजा वेरी गुड। 30 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कुशासन, कुशासन। ठीक है, ये हमारा सीडीपी हो गया। अब देखेंगे हम कुछ हिंदी के प्रश्न। अब हिंदी में क्या होगा भैया, एक आपको ऐसा इतना बड़ा गद्यांश दिया जाएगा, दो गद्यांश आएंगे, और गद्यांश अगर आपको पढ़ना आ गया, गद्यांश से क्वेश्चन निकालना आ गया, तो पांच पांच क्वेश्चन दो गद्यांश पे रहते हैं, नहीं 10 क्वेश्चन आपका फ्री में मिल जाएगा नंबर। तो चलिए छोटा सा गद्यांश मैं पढ़ूंगा, इसको ध्यान से सुनिएगा और इस पे आधारित प्रश्न पूछेंगे। ठीक है, सौंदर्य की परख अनेक प्रकार से की जाती है, बाह्य सौंदर्य की परख समझना तथा उसकी अभिव्यक्ति करना सरल है, जब रूप के साथ चरित्र का भी स्पर्श हो जाता है तब उसमें रसवाद रसास्वाद की अनुभूति होती है, एक वस्तु सुंदर तथा मनोहर कही जा सकती है, परंतु सुंदर वस्तु केवल इंद्रियों को संतुष्ट करती है जबकि मनोरम वस्तु चित्त को भी आनंदित करती है। इस दृष्टि से कवि जयदेव का बसंत चित्रण सुंदर है तथा कालिदास का प्रकृति वर्णन मनोहर है क्योंकि उसमें चरित्र की प्रधानता है।
सुंदर शब्द संकीर्ण है जबकि मनोहर व्यापक तथा विस्तृत है। साहित्य में साधारण वस्तु में भी विशेष प्रतीत होती है तथा उसे मनोहर कहते हैं। अभी यह गद्यांश था, इस पर आधारित कुछ प्रश्न है। ऊपर दिए गद्यांश का शीर्षक क्या होना चाहिए? 31 का जवाब दीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, सुंदरता बनाम मनोहरता। अगला देखिए 32 नंबर, सौंदर्य की परख की जाती है कैसे, किस प्रकार से, किस आधार पे? 32 का जवाब दीजिए। बत्तीस नंबर का राइट आंसर आपका ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा, इंद्रियों की संतुष्टि के आधार पर। अगला देखिए 33 नंबर है, कालिदास के प्रकृति वर्णन का आधार क्या है? 33 का जवाब दीजिए, 33 का उत्तर। 33 का जवाब क्या हो जाएगा? सभी लोग क्लास को लाइक एंड शेयर करें, क्वेश्चन नंबर 33 का जवाब दीजिए। 33 का उत्तर ऑप्शन बी वाला हो जाएगा, उनकी मनोहरता। अगला प्रश्न देखिए नेक्स्ट क्या है, 34 और 35 में दिया गया है, वाक्यांशों के लिए एक शब्द पूछा जाएगा आपसे। तो 34 नंबर है, जिसके आर पार देखा जा सके उसे क्या कहेंगे एक शब्द में? 34 नंबर का जवाब बताइए। थर्टी फोर का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, पारदर्शी करेंगे, ट्रांसपेरेंट कहेंगे उसको इंग्लिश में। नेक्स्ट है 35, देखे वह व्यक्ति जिसकी पत्नी मर गई हो क्या कहलाएगा? अविवाहित, विधुर, क्या हो जाएगा? 35 का आंसर दीजिए अंकिता यादव, बहुत बढ़िया। अमन, वेरी गुड। आशमा खातून, नेहा। 35 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, विधुर। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन देखे क्या है, अब यहां पर पूछा जा रहा है संधि कौन सा है, ठीक है? तो तपोवन शब्द में कौन सी संधि है? क्वेश्चन नंबर 36 का जवाब दीजिए, 36 नंबर का उत्तर क्या हो जाएगा? छत्तीस का राइट आंसर आपका ऑप्शन बी वाला हो जाएगा, व्यंजन संधि है इसमें। अगला देखो 37 नंबर में, उपयुक्त अर्थ वाला शब्द बताना है, तो अंगारों पर लौटना का क्या मतलब होगा? 37 का जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 37 का उत्तर क्या हो जाएगा? हाँ जी, 37 का जवाब, 37 का बी हो जाएगा, दुख सहना। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 38 है, देखिए प्रश्न क्या है, समानार्थक शब्द का चयन करना है, तो केतु का समानार्थक शब्द कौन सा है इसमें से बताइए। अड़तीस का राइट आंसर आपका ऑप्शन ए का उत्तर हो जाएगा, झंडा। अगला देखिए नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 39 है, निम्नलिखित शब्द के लिए सही नीचे दिए गए विकल्पों में से विलोम चुनना है, तो आकर्षित का विलोम क्या हो जाएगा? बहुत आसान हिंदी आती है, 39 का उत्तर बताइए, आकर्षित का विलोम क्या हो जाएगा? थर्टी नाइन का जो राइट आंसर है ऑप्शन ए हो जाएगा, अनाकर्षित हो जाएगा। सभी लोग सेशन को शेयर करिए भाई। 40 नंबर देखिए, अशुद्ध वर्तनी को चिन्हित करना है, तो 40 में ऐसा ऑप्शन देखो जिसमें गलत वर्तनी लिखा हो शब्द का, 40 का जवाब। चालीस नंबर का उत्तर क्या हो जाएगा? 40 का सी हो जाएगा भैया, अंतर्गत यहां पर गलत लिखा है। 41 में देखो यहां पर क्या कहा गया, तत्सम शब्द का चयन करना है, तो 41 में बताओ कौन सा शब्द तत्सम शब्द है, संस्कृत का शब्द है। 41 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, वेश। अगला देखिए 42 और 43 में दिया गया है, उचित शब्द भरना है, ठीक है? तो वर्तमान में डैश डैश भी महात्मा गांधी के विचारों का महत्व है, तो 42 में रिक्त स्थान पर क्या आ जाएगा बताइए, 42 का उत्तर। बयालीस का जो राइट आंसर है ऑप्शन ए हो जाएगा, व्यवस्था में। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 43 है, मुझे डैश डैश है कि आप मेरा मनोभाव ना समझ सके, 43 का बताइए रिक्त स्थान पे क्या आ जाएगा। तिरालीस का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, मुझे खेद है। अगला देखिए वर्तनी शुद्ध कौन सा है बताना है, 44 में बताइए कौन सा वर्तनी शुद्ध है, आहुति का सही वर्तनी किसमें है बताइए।
44 का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा, आहुति बी वाले में सही लिखा है। नेक्स्ट देखो क्या कहा गया है, बेमेल शब्द पहचानना है तो एक भिन्न कौन सा है वो बताना है। 45 का उत्तर बताइए इन चारों में कौन सा भिन्न शब्द है। विजय बहुत अच्छा, वेरी गुड, उत्तर बताइए 45 का। 45 का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, अधर। अगला देखिए नेक्स्ट क्या है, 46, क्योंकि रक्त रुधिर लोहित ये सभी खून के पर्यायवाची हैं, ये समानार्थक हैं, अधर नहीं है। 46 देखिए, निम्न में से कौन पठन का प्रकार नहीं है, बताओ 46 का उत्तर दो आप लोग। अब ये हिंदी पेडागॉजी है। क्वेश्चन नंबर 46 का जवाब, का राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, मौन पाठन। अगला देखो उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है। 47 का सही जवाब क्या हो जाएगा बताइए। सैतालीस का जो राइट आंसर है ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48, निम्न में कौन सही है, 48 का उत्तर बताओ। 48 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, वह टका सा जवाब देता है। अगला देखो नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 49 है। देखिए प्रश्न क्या है, शिक्षकों को पाठ के विकास के साथ साथ बीच बीच में उपयुक्त प्रश्न पूछते रहना चाहिए। 49 का उत्तर क्या हो जाएगा बताइए। ये हिंदी शिक्षण शास्त्र है, 15 क्वेश्चन आपका सब्जेक्ट से आएगा, 15 क्वेश्चन उससे संबंधित शिक्षण शास्त्र से आएगा, हर सब्जेक्ट में ऐसा ही रहेगा। 49 का जवाब बताइए। उनचास का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, सहमत। अगला प्रश्न देखें, क्वेश्चन नंबर 50 है। प्रश्न देखिए क्या है, हिंदी भाषा में रूढ़िगत शिक्षण विधि में क्या होता है। चार ऑप्शन दिया गया, जवाब दीजिए 50 का उत्तर। पचास नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन यहां पर, 50 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 50 का डी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। बहुत बढ़िया उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51 है। गद्य की रूढ़िगत पाठन विधि का दोष है, 51 का जवाब क्या हो जाएगा बताइए। फिफ्टी वन डी करेक्ट उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 52 है। देखिए प्रश्न क्या है यहाँ पर, प्रश्न है भाषा के रूढ़िगत पाठन विधि में अवकाश के दिनों में घर से निबंध रचना कर लाने से संबंधित सही तथ्य है। क्वेश्चन नंबर 52 का जवाब क्या हो जाएगा नीतू कुमारी, जवाब दीजिए। रिमझिम, कमलेश, आशमा, उत्तर बताइए 52 का जवाब। क्लास को शेयर करें और लाइक करें, बहुत कम लोग जुड़े हैं क्लास में तो सभी लोग सपोर्ट करिए। 52 का उत्तर क्या हो जाएगा, 52 का राइट आंसर आपका ऑप्शन यहां पर बी हो जाएगा, निबंध की मौलिकता नहीं आ पाती है। अगला प्रश्न देखें, क्वेश्चन नंबर 53 है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। मारिया मॉन्टेसरी पद्धति आपने पढ़ा होगा, मॉन्टेसरी पद्धति की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है निर्देशन में व्यक्तिकता का स्थान, या कथन किसका है। 53 का जवाब दीजिए, 53 का उत्तर। का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, रस का। अगला देखें नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 54 है। डाल्टन पद्धति का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया, क्वेश्चन नंबर 54 का आंसर। का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, हेलन। अगला देखें 55 है, हिंदी शिक्षण में डाल्टन पद्धति के दौरान क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 55 का जवाब दीजिए सब लोग। पचपन नंबर का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, विद्यार्थी स्वप्रेरणा से कार्य करते हैं। अगला देखें 56 नंबर प्रश्न है, प्रोजेक्ट पद्धति को व्यवहारिक रूप प्रदान किया किसने, 56 का आंसर दीजिए। 56 का राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, किलपैट्रिक ने। नेक्स्ट है 57 देखिए, व्याकरण शिक्षण की आगमन विधि में क्या हो जाएगा, 57 का जवाब बताओ। 57 का राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, उदाहरण से नियम की ओर जाते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 58 है, भाषा के आधारभूत कौशल हैं।
58 का राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, एक क्रम से सीखे जाते हैं। 59 देखिए, हिंदी भाषा सीखने में पाठ्य पुस्तक क्या है? साध्य है, साधन है, एकमात्र संसाधन है, या इनमें से कोई नहीं? वेरी गुड, 59 का राइट आंसर जितने लोग जवाब दिए सी, एकमात्र साधन है। अगला क्वेश्चन है 60 नंबर, देखिए, तन्वी जब भी प्रश्न का उत्तर देने के लिए खड़ी होती है वह बोलने में हकलाने लगती है, इसका क्या कारण है? 60 का जवाब बताओ। साठ नंबर का जो सही जवाब है ऑप्शन डी हो जाएगा, बी और सी दोनों, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखिए नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 91 है, पुरापाषाण काल में मानव का भोजन क्या था? 91 का उत्तर बताइए, जल्दी जल्दी जवाब दीजिए आप लोग। नाइन्टी वन का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन यहां पर क्या हो जाएगा, बिल्कुल 91 का ए हो जाएगा, जंगली फल फूल व कंदमूल। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 92 है, पृथ्वी पर सर्वप्रथम किस प्रकार के जीवों का विकास हुआ था? 92 का जवाब दीजिए। नाइन्टी टू का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा? अत्यंत सूक्ष्म एवं रूढ़ विहीन जीव का। अगला देखिए 93 है, हड़प्पा सभ्यता में विशाल स्नानागार कहां मिला है? 93 का जवाब बताओ। नाइन्टी थ्री का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा भैया, मोहनजोदड़ो से। 94 देखिए, हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप क्या था? क्वेश्चन नंबर 94 का आंसर, हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, नगरीय। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 95 है, मुद्रा राक्षस के रचयिता कौन है? सबको मालूम होगा, 95 का जवाब बताओ। नाइन्टी फाइव का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन बी, करेक्ट उत्तर हो जाएगा भैया, विशाखा दत्त। 96 देखिए, आर भट्टियम नामक ग्रंथ का लेखक कौन था? क्वेश्चन नंबर 96 का आंसर, वेरी गुड, 96 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, आर्य भट्ट। अगला देखिए नेक्स्ट क्या है, 97, भारत की प्रथम मुस्लिम शासिका कौन थी? आसान क्वेश्चन है, 97 का उत्तर बताओ। नाइन्टी सेवन का राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, रजिया बेगम। अगला देखिए 98 है, चंद्र बरदाई द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा है? 98 का उत्तर, वेरी गुड, 98 का जो राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, पृथ्वीराज राशो। 99 देखें, शाहनामा का लेखक कौन था? 99 का जवाब, निन्यानवे का ए हो जाएगा, फिरदौसी। और आज की क्लास का अंतिम प्रश्न क्वेश्चन नंबर 100 है, प्रश्न देखें क्या है, मोरक्को यात्री इबन बतूता किस शासक के शासनकाल में भारत आया था? 100 नंबर का उत्तर बताएं। क्लास अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, इसी प्रकार डेली क्लास चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, डेली सुबह 11 बजे क्लास आपको मिलेगी देखने को। 100 का एक उत्तर हो जाएगा इल्तुतमिश। बहुत बहुत धन्यवाद क्लास को अंत तक देखने के लिए, सभी लोग लाइक एंड शेयर कर देना, और जिनको भी सीटेट का कंप्लीट सिलेबस का नोट्स लेना है इस नंबर पे व्हाट्सएप पर मैसेज करके नोट्स को परचेज कर सकते हैं, सभी सब्जेक्ट का मिल जाएगा और आपके लैंग्वेज आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अवेलेबल है नोट्स, मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं। धन्यवाद।